अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपके साथ शुजात अली और आज एक नई वीडियो के साथ जो टू बी सेंटेंस के बारे में है। और ये हम एक पूरी सीरीज बना रहे हैं जिस सीरीज में आपको प्री बेसिक से लेकर इंग्लिश लैंग्वेज सिखाई जाएगी। प्री बेसिक से लेकर इसका मतलब है जिसको अगर कभी किसी ने नहीं सीखी है, हाँ प्री बेसिक से ये चीज़ें क्लियर होती हैं, कभी कभार गैप रह जाते हैं। अगर किसी ने सीखी भी हुई है पहले उन्होंने कोर्स किया हुआ है, लेकिन उनमें से भी पहले गैप हो जाता है। गैप की वजह से आपको पता है कि लैंग्वेज में कन्फ्यूजन आ जाती है, उनको पता नहीं होता कि कौन सी चीज़ पढ़ी है या कौन सी चीज़ रहती है। इससे ये है कि चीज़ें सीक्वेंस वाइज मैं चलाऊँगा और आज जो हमारी सीक्वेंस का पहला लेक्चर जो होगा वो होगा टू बी सेंटेंस का। टू बी सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे, इसी तरीके से लेक्चर चलेंगे, प्री बेसिक से लेकर मैं सारी चीज़ें जो है क्लियर करवाऊँगा आपको इसी प्लेटफॉर्म पर। तो सबसे पहले हम आएंगे, आज पढ़ेंगे टू बी सेंटेंस के बारे में, ठीक है। टू बी, सबसे पहले हम देखते हैं कि टू बी किसे कहा जाता है, इनको नाम कैसे रखा गया, टू बी सेंटेंस इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनमें टू बी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। इनमें क्या यूज होते हैं, टू बी वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। और टू बी वर्ब्स कौन से होते हैं, इज, एम और आर, ये क्या होते हैं, टू बी वर्ब्स होते हैं। इसके अलावा अगर हम पास्ट में करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, वाज या वर। और अगर फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे तो हम क्या यूज करते हैं, विल बी। ये हमारे टू बी वर्ब्स होते हैं। मैं इनके लास्ट में आपको सेंटेंसेस भी दूंगा और मुख्तलिफ न्यू वर्ड्स। आपको पता है कि अगर हमें स्ट्रक्चर्स आती हैं और हमें वोकैबुलरी नहीं आती और हमारी प्रैक्टिस नहीं है, स्ट्रक्चर्स आपको याद होना लाजमी नहीं है, लेकिन आपके जितने ज़्यादा जुमले बनाए होते हैं, तो इसीलिए मैं आपको सेंटेंसेस की ज़्यादा प्रैक्टिस करवाऊंगा। और लास्ट तक वीडियो देखिएगा, आपको न्यू वर्ड्स भी मैं आपको बताऊंगा कि इनमें कौन से वर्ड्स इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। अभी सबसे पहले हम आते हैं कि टू बी वर्ब्स ये होते हैं कि इस्तेमाल, वाज, वर्ब और विल बी, ठीक है। अभी सबसे आते हैं प्रेजेंट, प्रेजेंट में टू बी टेंस होते हैं, टू बी सेंटेंस जो प्रेजेंट में होते हैं उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं, हम उसमें यूज करते हैं सब्जेक्ट, इज, एम, आर और कॉम्प्लीमेंट। सब्जेक्ट, इज, एम, आर और कॉम्प्लीमेंट। अभी सब्जेक्ट के बारे में, सब्जेक्ट किसे कहा जाता है, जुमले में जो काम करे उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, लेकिन ये गलत है। जुमले में जिसके बारे में बात की जाए उससे सब्जेक्ट कहा जाता है। जैसे मैं ये कहूँ कि आई एम अ टीचर, मैं टीचर हूँ, इसमें मैं तो काम नहीं कर रहा हूँ, फिर भी आई क्या है, सब्जेक्ट है, क्योंकि आई के बारे में बात की जा रही है। जुमले में जिसके बारे में बात की जाए उससे सब्जेक्ट कहा जाता है, ठीक है। इसका सब्जेक्ट कौन से होते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, ये सारे क्या होते हैं, सब्जेक्ट होते हैं। इज, एम, आर, अभी हम देखते हैं कि इज किसके साथ इस्तेमाल होता है और एम किसके साथ इस्तेमाल होता है और आर किसके साथ इस्तेमाल होता है। इज इस्तेमाल होता है ही के साथ और शी के साथ, इट के साथ और एक नाम के साथ हम इज इस्तेमाल करते हैं। और एम किसके साथ इस्तेमाल होता है, आई के साथ, और आर, वी आर, यू आर, दे आर, ओ एन टी, मतलब नेम प्लूरल, दो नाम आ जाएं तो आर इस्तेमाल होगा। एक नाम का मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक नाम हो, जैसे असद, इज कहेंगे, क्योंकि एक नाम है तो इज आएगा। अगर यहीं पे मैं कहता हूं असद एंड सुनील, आर कहूंगा, क्योंकि दो नाम है, दो नामों के साथ क्या आएगा, आर आएगा, ठीक है। अब यहां पे इसके साउंड्स, आवाजें कौन सी हैं, आवाज इसकी ये है कि हे, हैं, हो या हूं। अब ये ठीक है, ये आवाज आती हैं, लेकिन आप अगर किसी, ये तो आम तौर पे पढ़ाया जाता है, लेकिन अगर आप कहीं बाहर जा रहे हैं वहां पे उनको उर्दू समझ में आती ही नहीं, आप इंग्लिश में कैसे बताएंगे कि टू बी सेंटेंस क्यों यूज होते हैं। आप उनको ये कहेंगे कि हाँ है हूँ, जब आवाज़ आती है तो वहाँ पे इस्तेमाल यूज होगा। तो यहाँ पे क्या है, तो इसके लिए आपको यूज जहन में होना चाहिए कि इन टू बी सेंटेंस का यूज कहाँ पे होता है। टू बी सेंटेंस का यूज जो होता है वो तीन जगहों पर यूज होता है। एक बताता है ये प्रोफेशन, प्रोफेशन का मतलब होता है कारोबार, कि आप जब अपने कारोबार के बारे में बताएं कि आपका कारोबार क्या है, जैसे मैं टीचर हूँ तो आप क्या यूज करेंगे, टू बी यूज करेंगे, आई एम, आई एम अ टीचर। वो डॉक्टर है, मैं उसका प्रोफेशन बता रहा हूँ तो क्या यूज करूंगा, इज यूज करूंगा, ही इज अ डॉक्टर। तो इसका मतलब है इज, एम, आर तभी इस्तेमाल होते हैं जब हम किसी का प्रोफेशन बताते हैं।
या हम किसी की हालत बताते हैं, स्टेट। स्टेट का मतलब होता है हालत। जैसे मैं ये कहूँ कि वो बीमार है, क्या कहूँगा? ही इज इल। यहाँ पे मैं इज लगा के क्या इस्तेमाल कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या शो कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे उसकी हालत शो कर रहा हूँ कि वो किस हालत में है। ही इज इल टूडे, वो आज बीमार है, ठीक है। या मैं ये कहूँ कि शी इज पुअर, वो गरीब है। इसमें क्या इज लगा के मैं क्या शो कर रहा हूँ कि उसकी कंडीशन जो है वो कौन सी है, कि वो गरीब है, ठीक है। अभी तीसरी चीज वो लास्ट, वो कौन सी है, वो ये है कि इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन का मतलब होता है तारुफ। जब आप अपना तारुफ करवाते हैं तो आप इस एमआर में से एक यूज करते हैं। आप कैसे यूज करेंगे, अगर किसी को भी आप कहेंगे कि क्या कहेंगे, माय नेम इज शुजात अली, आपने इज यूज किया। इज क्यों यूज किया यहां पे, क्योंकि आप इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं। जब भी आप इंट्रोडक्शन करवाते हैं या किसी का इंट्रोडक्शन बताते हैं आप, तो वहां पे आप इज एमआर में से एक इस्तेमाल करते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि टू बी सेंटेंस क्या है, तो आप कहेंगे टू बी इज एमआर वाज वर और विल बी को टू बी कहा जाता, टू बी वर्ब्स कहा जाता है, ठीक है। ये टू बी सेंटेंस क्यों इस्तेमाल होते हैं, आपसे ये सवाल करें तो आप क्या कहेंगे, ये प्रोफेशन बताने के लिए या स्टेट बताने के लिए या इंट्रोडक्शन बताने के लिए ये टू बी सेंटेंस यूज होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक जुमला इसका बनाते हैं। एक जुमला, जैसे मैं ये कहूँ कि शी इज अ पुअर गर्ल, वो एक गरीब लड़की है, ठीक है। शी इज अ पुअर गर्ल। अभी इसको अगर मैं इसका इस जुमले इसका नेगेटिव बनाऊंगा तो क्या कहूँगा, शी इज नॉट अ पुअर गर्ल। क्या वो एक गरीब लड़की है, सवालिया बनाएंगे। सवालिया में क्या होता है कि जो इसका मेन वर्ब होता है, इस टू बी वर्ब का दूसरा नाम भी होता है, वो मैं आपको बताना चलूँ। इसका दूसरा नाम होता है टू बी वर्ब, एक टू बी वर्ब होता है, दूसरा इसका नाम होता है एक्शन लेस वर्ब्स, इन्हें एक्शन लेस सेंटेंस भी कहा जाता है, ठीक है, या टू बी वर्ब्स या एक्शन लेस वर्ब्स इन्हें कहा जाता है, ठीक है। अभी देखिए, जब क्या कहेंगे, जब सवाल करेंगे तो एक्शन लेस जो वर्ब होता है, मतलब जो टू बी वर्ब होता है, वो सामने आ जाता है। जैसे इज पहले इस्तेमाल किया, यहाँ पे सब्जेक्ट इस तरफ चला जाएगा। इज शी अ पुअर गर्ल, क्या वो एक गरीब लड़की है, ये सवाल बन गया। अब यहाँ पे क्या वो एक गरीब लड़की नहीं है, तो फिर मैं क्या कहूँगा, इज शी नॉट अ पुअर गर्ल, क्या वो एक गरीब लड़की नहीं है, ये सवालिया इनकारिया जुमला है। तो ये टू बी सेंटेंस हुए। विदाउट प्रैक्टिस इंग्लिश इज ऑफ नो यूज। इंग्लिश का कोई फायदा नहीं है अगर आपकी प्रैक्टिस नहीं है। आप कोई भी स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अगर उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वो हमेशा आपको स्ट्रक्चर जहन में रहेगी। प्रैक्टिस के लिए मैं जो भी एक्सरसाइज आपको पढ़ाऊंगा, जो भी एक्सरसाइज पढ़ाऊंगा, तो उसकी एक्सरसाइज जरूर मैं आपको दूंगा, ठीक है। आज और विकैबलरी जरूर सीखेंगे रोजाना हम। अभी विकैबलरी में देखें, पहला जुमला है वो एक बहादुर लड़का है। अभी आज हमने प्रेजेंट टू बी पढ़ाई, प्रेजेंट टू बी के कुछ सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं यहाँ पे। आप देखें, वो एक बहादुर लड़का है। मैं यहाँ पे वर्ड भी लिख सकता था, लेकिन आपको वर्ड आता हो लेकिन आपको यूज करने नहीं आता हो तो वो वर्ड आपसे भूल जाएंगे। तो यूज करना करने आता हो आपको ज़रूर, इसीलिए मैंने यूज़ किया हुआ है, उर्दू के जुमले बनाए हुए हैं। वो एक बहादुर लड़का है तो क्या कहेंगे, ये आपको खुद पता होगा, तो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है इसकी इंग्लिश क्या होगी। उसके बाद देखे, वो एक जहीन लड़की है। जहीन लड़की की इंग्लिश क्या होती है, जीनियस गर्ल, अ जीनियस गर्ल। बहादुर लड़के की इंग्लिश क्या होती है, अ ब्रेव बॉय। असद मेरा दोस्त है, ये तो बहुत कॉमन सेंटेंस है, ठीक है। उसके बाद इसमें से जो नया वर्ड आपको मिला है, वो नया वर्ड आप जरूर लिखिएगा। अगर आपको सेंटेंसेस आते हैं तो इस वीडियो में से जो नया वर्ड आपको मिला है कि सर आई हैव लर्न दिस थिंग, तो आपको जरूर बताना है मुझे कमेंट बॉक्स में। जिस तरीके से चौथा जुमला है वो नडर है। नडर इसका मतलब होता है डरते ही नहीं है, किसी से भी डरते नहीं है। जो किसी से, अगर आप किसी से डरते नहीं है तो आप क्या कहेंगे, वी आर अनडॉन्टेड, हम किसी से डरते नहीं है, वी आर अनडॉन्टेड। नंबर 5, हम मेहनती लड़के हैं, वी आर हार्ड वर्किंग बॉयज। नंबर 6, आप जिद्दी हो। जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है, जिद्दी तो मोस्टली कॉमन है, आप तो बहुत जिद्दी हो, मोस्टली हम कहते हैं, लेकिन जिद्दी की इंग्लिश क्या होती है, वहां पे हम परेशान हो जाते हैं। तो जिद्दी की इंग्लिश मैंने लिखी हुई है ऑब्स्टिनेट, बाकी जुमला आपको खुद बनाना है। वो जाहिल है, जाहिल मतलब गवार, जिसको कुछ भी पढ़ा लिखा नहीं हो, तो उसे क्या कहा जाता है, इलिटरेट।
हम मोस्टली हम पढ़ते हैं इलिटरेट, इलिटरेट नहीं होता ये, इलिटरेट, इल लिटरेट, ठीक है, इलिटरेट। उसके बाद नंबर आठ है वो कंजूस है। कंजूस की इंग्लिश क्या होती है? स्टिंगी, स्टिंगी मतलब कंजूस। ये आपकी गलती है। अभी गलती को तो मिस्टेक कहा जाता है, लेकिन किसी ने बड़ी गलती की है, फॉर एग्जाम्पल किसी ने आपकी पेन तोड़ी है, तो ये क्या होगी? ये मिस्टेक होगी, ठीक है। या आपने किसी ने आपकी कोई चीज़ उठाई है, वो सिंपल है, उसकी इतनी कीमत नहीं है, तो आप क्या कहेंगे? दैट वॉज इज मिस्टेक, उसकी गलती। लेकिन अगर किसी ने आपका कंप्यूटर तोड़ा है, तो फिर आप क्या कहेंगे? बड़ी गलती की है इसने। तो बड़ी गलती को इंग्लिश में क्या कहा जाता है? उसको कहा जाता है ब्लंडर। ब्लंडर का मतलब होता है बड़ी गलती। तो यहाँ पे जुमला है, ये आपकी गलती है, तो हम इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे? अगर उसकी गलती का हम देखेंगे, अगर गलती बड़ी है, तो हम क्या कहेंगे? योर ब्लंडर, ठीक है। उसके बाद नंबर 10 है, मैं सखी हूँ। सखी की इंग्लिश क्या होती है? जिसमें सखावत हो, ठीक है, जो पैसे खर्च करे, तो उसे क्या कहा जाता है? जेनरस। भाई मैं सखी हूँ, ये जुमला मैंने बनाया है, मैंने ये नहीं कहा कि मैं सखी हूँ, ऐसे नहीं कि कल मेरे दरवाजे में पहुँच जाए कि पैसे दो, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये 10 सेंटेंस है, इसमें से जिन जो भी आपको नए वर्ड्स मिले हैं, तो उन वर्ड्स को ज़रूर हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि हमने सर ये नए वर्ड इस वीडियो से हमने ये नए वर्ड सीखे हैं, ज़रूर बताइएगा। और जो नया सेंटेंस मिले आपको, उसकी ट्रांसलेट करके इंग्लिश में ज़रूर भेजनी है। आई एम होपफुल दैट यू मस्ट हैव अंडरस्टूड माई वीडियो। मुझे यकीन है कि आपको वीडियो ज़रूर समझ में आई होगी। और मज़ीद लेक्चर्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसके अलावा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि उनको भी इस वीडियो से ज़्यादा फ़ायदा पहुँचे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।